एक बड़ी खबर है, यहां पर निर्माणाधीन मॉल के लकड़ी गोदाम में आग लग गई है। लाखों की लकड़ियां जलकर राख हो गई। बड़ी अहम खबर आ रही है, फायर ब्रिगेड ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। आकाशवाणी के सामने की यह घटना है। तो एक निर्माणाधीन मॉल जहां पर जो वुडन वर्क होना था उसको लेकर यहां पर लकड़ियां रखी गई थी, या फिर जो निर्माण कार्य में लकड़ियां लगती है वो रखा गया था, और इसी भंडार में आग लग गया। आग बहुत भयावह थी, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जो लकड़ियां लाखों की जो इस मॉल को निर्माण के दौरान इस्तेमाल होती वो जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाएगा। फिलहाल नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लाखों की लकड़ियां कम से कम यहां पर बर्बाद हुई हैं। आकाशवाणी के सामने यहां पर एक मॉल बन रहा था, उसी में गोदाम में ये आग लगी है। लाखों की लकड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार अग्निकांड जो है वो सामने आ रहे हैं, आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, और इसी कड़ी में एक और आगजनी की घटना, यहां पर आग लगी की घटना आप कहीं से। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहां पे एक निर्माणाधीन मॉल था, उसी के निर्माण के लिए जो लकड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती उनको यहां पर भंडारण करके रखा गया था, और उसी में यह आग लगी है। आग लगने की वजह क्या रही है फिलहाल, और आयुष इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके। आयुष, कहां पर यह घटना घटी है, किस जगह का ठीक घटना है, और कैसे आग लगी, क्या कुछ जानकारी? बताना चाहूंगा कि ये बेहद संकुचित इलाका रातू रोड चौक के सामने निर्माणाधीन आरट टावर बिल्डिंग में उसके ग्राउंड फ्लोर में आग लगी थी। और आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि इस आग को कहीं ना कहीं समय रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो आसपास में कह सकते हैं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का घर था, कई बड़ी बड़ी जो जो बहुमंजिली दुकानें थी और बहुत व्यस्तम इलाका था। ऐसे में ये आग पे काबू ले पा लेना बहुत बड़ी बात है। और खास बात ये रही कि ग्राउंड फ्लोर में जो लकड़ी का भंडारण होता उसमें आग लगी थी, और लकड़ी क्योंकि बहुत ज्वलनशील होता बहुत जल्दी उसकी लपटे आपको पकड़ती है, तो ये तमाम चीजों को रोकने के लिए स्थानीय कहीं ना कहीं जो तत्परता दिखाई, दमकल विभाग को सूचना दी गई और दमकल विभाग कहीं ना आनंद फानन में आकर आग को बुझाया। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने के कारण क्या है, क्या असामाजिक तत्वों की ये करतूत है या फिर किसी अन्य वजह से आग लगी है, तो ये जांच का विषय है। मौके पर पुलिस भी पहुंची है और पुलिस ये जांच में जुटी है, क्योंकि ये जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है कह सकते हैं कि एक रिहायशी इलाके में निर्माण चल रहा है, लगातार निर्माण चल रहा है, तो ऐसे में हो सकती है कि किसी की साजिश भी हो। जी पंकज, तो आयुष जिस तरीके से निर्माण हुआ, आप बता रहे बहुत ही रिहायशी इलाका है यहाँ पर, तो क्या मतलब आपको ऐसा लगता है कि कुछ नियमों में भी गड़बड़ियां की गई होंगी और इसी वजह से ये तमाम चीजें हुई है? देखिए ये पंकज, ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि निर्माण अगर हो रहा है तो नियम पूर्वक निर्माण होना चाहिए, और इसकी क्योंकि आपको ही पता है कि जब तक ये निर्माण पूरा कर लिया नहीं जाता तब तक उसको जांच परख करना और कहीं तक भी कह सकते हैं कि किसी के लिए आसान नहीं होता है। आयुष, मेरा मतलब है कि जो एनओसीज होने चाहिए आपके निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों से जुड़े हुए, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। जी, तो ये अभी कह सकते हैं कि अभी मौके पर पुलिस पहुंची है और आग लगने का कारण जो जानने का प्रयास कर रही है। ऐसे में ये भी जांचा परखा जाएगा कि निर्माण होने के दौरान क्या जो एहतियात बरतने हैं वो बरते जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये भी सब कुछ निकल कर सामने आएगा, क्योंकि ये घटना जो है आरआर टावर की है। और कह सकते हैं, मैं बता सकती हूँ कि इसके जो निर्माता है वो राजधानी में कई बिल्डिंगों का निर्माण करा चुके हैं जो सफलपूर्वक अभी चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये स्पष्ट नहीं है। हाँ, लेकिन कह सकते हैं कुछ घंटों में ये स्पष्ट होगा, या कह सकते हैं कि 24 घंटों के बाद जब अखबारों में खबरें छपेंगी तो ये सब तमाम चीजें हैं जो बारीकी से निकल करके आएगी। फिलहाल पुलिस कह सकते हैं आग में काबू पाने के बाद थोड़ी राहत ली है और जांच कर रही है। बड़ी दुर्घटना टल गई है जो हो सकता था, क्योंकि जिस इलाके में मॉल मौजूद था। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष समाचार जुड़े आप और जानकारी आपने दी। तो एक बड़ा हादसा टला है, सूझबूझ से लोगों की, सतर्कता से लोगों की, और मौके पर दमकल की गाड़ी भी सही समय पर पहुंच गई, इस वजह से इस आग को बढ़ने से रोका जा सका है, वरना आग भीषण रूप लेती तो, क्योंकि आसपास में रिहायशी इलाके भी हैं और दूसरे बाजार भी दुकानें मौजूद है, तो ये बढ़ सकता था, लेकिन फिलहाल इस पर काबू पाया जा चुका है।